आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा, खुफिया एजेंसियों ने जताया खतरा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा, राज्यपाल को उचित सम्मान दिए बिना संबोधित करना अस्वीकार्य। डीएम के कार्यालय के उद्घाटन के बहाने स्टालिन का शक्ति प्रदर्शन, सोनिया अखिलेश समेत कई बड़े नेता पहुंचे। इरोम शर्मिला को सम्मानित करेगी मणिपुर सरकार, एएफएसपीए के विरोध में 16 साल तक की भूख हड़ताल। बीजेपी कांग्रेस को हराना नहीं, गुजरात को जिताने आए हैं अहमदाबाद में केजरीवाल, भगवंत मान ने किया बड़ा रोड शो। महंगाई पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, सुरजेवाला बोले, बड़ी कीमतों से आम लोगों पर पड़ेगा 1.25 लाख करोड़ का बोझ। महंगाई पर सुरजेवाला बोले, बीजेपी ने चुनाव जीत कर पाया लूट का लाइसेंस। वाराणसी पहुंचे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देववा, सीएम योगी ने किया स्वागत। शरद पवार ने महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा, कहा, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, कुछ नहीं कर रही केंद्र सरकार। महाराष्ट्र के सीएम पर बरसे राज ठाकरे, कहा, उद्धव ने जनता के साथ गद्दारी की है, वही सिखाएंगे सबक। रमजान की शुरुआत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, कहा, ये महीना समाज में शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को बढ़ाए। रमजान पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा, मस्जिद से हटाओ लाउड स्पीकर वरना बजाएंगे हनुमान चालीसा। पीएम देउबा के साथ शिखर वार्ता में पीएम मोदी का दोस्ताना संदेश, नेपाल में सीमा विवाद का राजनीतिकरण ना हो। मोदी और देउबा ने दिखाई हरी झंडी, 2 घंटे में जयनगर से जनकपुर पहुंची ट्रेन, हजारों लोगों ने किया स्वागत। बिजली क्षेत्र में नेपाल और भारत के बीच बड़े सहयोग की जमीन तैयार, पीएम नरेंद्र मोदी और देउबा ने विजन प्रपत्र किया जारी। गाजियाबाद में पीएम से संवाद में छात्र ने किया सवाल, ताल कटोरा पहुंची थी गाजियाबाद। मऊ में कलेक्ट्रेट परिसर डॉक्टरों का प्रदर्शन, न्याय के लिए सरकार से लगाई गुहार। गाजियाबाद में रमजान का पावन महीना हुआ शुरू, रमजान का चांद आया नजर। रायबरेली में लाउड स्पीकर को लेकर दो पक्षों में मारपीट, एक महिला को आई गंभीर चोट।
गाजीपुर में खेत में युवक का मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में रोबोटिक प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, जाकिर हुसैन कॉलेज इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ आयोजन। बदायूं में पुलिस ने जनता को कराया सुरक्षा का एहसास, पुलिस ने फुट पेट्रोलिंग के साथ किया जनता से संवाद। आगरा में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, त्योहारों को शांति से मनाने की अपील। सीतापुर में चैत्र नवरात्र पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, देवी मंदिरों में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। सीतापुर में रेलवे क्रॉसिंग से आवागमन पर लगी रोक, गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक किया जाम। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 25 लाख की लूट। गोरखपुर में चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, दूसरे दिन होती है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। रायबरेली में पुलिस को मिली सफलता, चेन स्नैचर को किया गिरफ्तार। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। सीएम योगी के बुलडोजर के दहशत, रामपुर में अवैध निर्माण कराने वाले ने दी अपना मकान गिराने की अर्जी। गंगा की उतारी आरती। सत्येंद्र दुबे हत्याकांड से भी जुड़ रहा कानपुर, जलकल महाप्रबंधक के यहां छापा, दस्तावेज में लाई गई सीबीआई टीम। सीबीआई खोलेगी वाराणसी डाकघर घोटाले की परतें, एंटी करप्शन ब्रांच ने लखनऊ में दर्ज किया मुकदमा। परिवार सहित ताजमहल के दीदार को पहुंचे राहुल द्रविड़, चिश्ती की दरगाह में भी किया सजदा। अयोध्या में नव संवत्सर के पहले दिन बदली गई श्री राम मंदिर के गर्भगृह की ध्वजा, विधि विधान से हुआ पूजन। लोहिया संस्थान में लाखों रुपए का गबन, निर्देशक ने चार कर्मचारी को किया बर्खास्त। योगी के मंत्री का सपा पर बड़ा हमला, कहा अखिलेश यादव ने भुगता अपने पिता और चाचा के अपमान का खामियाजा। लखीमपुर में स्कूल में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, झुलसने से रसोईया की मौत। सुल्तानपुर में डिप्टी एसपी की पत्नी का शव भाई को सौंपा सरकारी आवास में, पंखे से लटकी हुई मिली थी मृतका।
भाजपा के विधायक शिवपाल सिंह यादव का भाजपा के नेताओं के प्रति अचानक बढ़ा प्रेम, सोशल मीडिया पर किया फॉलो। अगले साल 14 नए मेडिकल कॉलेजों से लैस होगा उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य सुविधा को मिलेगी बूस्टर डोज। उत्तर प्रदेश में फिर एक्टिव एंटी रोमियो स्क्वाड, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ले रहे छात्राओं से फीडबैक। अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर तंज, बोले निकाय चुनाव तक पेट्रोल की कीमतें होंगी 275 रुपए लीटर। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा राज्य में जनता महंगाई से परेशान है, सरकार किसानों के कल्याण के झूठे वादे कर रही है। हरिद्वार में कुट्टू के आटे के पकवान खाने से 100 लोगों की बिगड़ी हालत, प्रशासन में मचा हड़कंप, दुकानों के लिए गए सैंपल। देहरादून से हल्द्वानी जा रही बस को चेकिंग टीम ने एक घंटे रोका, यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। महिला क्रिकेटर स्नेह राणा बोली, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूं, मैं भी भविष्य में उत्तराखंड से चाहती हूं खेलना। इस बार टोकन व्यवस्था से होगा बाबा केदारनाथ का दर्शन, 6 महीने को खुलेंगे बाबा के धाम। बालक और बालिका दोनों के जन्म पर मिलेगी किट, मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को ड्राफ्ट तैयार करने के दिए निर्देश। युवा कल्याण नीति के अस्तित्व में आने की उम्मीद, सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास पर किया फोकस। मेडिसिन से होगा दूर दराज के मरीजों का बेहतर उपचार, विशेषज्ञ चिकित्सकों को दी गई संबंधित सॉफ्टवेयर की जानकारी। ट्रैफिक एरा टीम डी यूनिवर्सिटी को नए शोध पर 20 साल के लिए मिला पेटेंट, 2 से 3 गुना अधिक दवा होगी तैयार। ऋषिकेश में हरियाणा का युवक गंगा में डूबा, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने चलाया सर्च अभियान। देहरादून के बिंदल बस्ती में शराब के नशे में घर में घुसा युवक मासूम को उठाकर ले गया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑक्सीजन सीएसपी दिलवाने के नाम पर ठगे 1.5 लाख रुपए, चमोली पुलिस ने ठग को बिहार से किया गिरफ्तार। हिंदू नववर्ष का देहरादून में भव्य स्वागत, दीप मालाओं से जगमगा उठा घंटाघर परिसर, शांति एकता सद्भाव की कामना की गई। सदस्यता अभियान, प्रदेश में कांग्रेस के सामने संगठनिक इकाइयों के चुनाव की है चुनौती। दो साल बाद उत्तराखंड में सबसे कम कोरोना संक्रमित मिले, 9 दिन के बाद हुई एक मरीज की मौत। आतंकियों को ढेर करने वाले ब्रिगेडियर जसवीर सिंह बरार का निधन। पाकिस्तानी मंत्री का आरोप, अब झूठ बोल रहा अमेरिका, इमरान सरकार को हटाने का किया था प्रयास।
इमरान सरकार के अलावा नेशनल असेंबली के स्पीकर के खिलाफ भी विपक्ष हुआ एकजुट, मीडिया का चुमावड़ा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर लंदन में हुआ हमला, बेटी मरियम ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। अमेरिका सोवियत कालीन हथियार यूक्रेन पहुंचाने की करेगी कोशिश, 2200 करोड़ की सैन्य सहायता भी करेगी जारी। गृहमंत्री शेख रशीद का दावा, अविश्वास प्रस्ताव सफल हुआ तो हो सकती है इमरान की गिरफ्तारी। हो सकती है शंघाई की स्थिति, लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने बढ़ाई पेरेंट्स की चिंता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा का पहला मिशन AX-1 भेजे जाएंगे 4 अंतरिक्ष यात्री। अधिकारों का हनन शुरू, अब सोशल मीडिया पर लगी देशव्यापी पाबंदी। श्रीलंका में आपातकाल के बीच राष्ट्रपति ने लगाया 36 घंटे का लॉकडाउन, सेना को मिली विशेष शक्तियां। इमरान की सत्ता के खतरे के बीच पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा का बड़ा बयान, कहा भारत के साथ सभी विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार। '21-22 का ITR फॉर्म हुआ नोटिफाई, क्रिप्टो करेंसी टैक्स टेबल नहीं है शामिल। गौतम अडानी बने एशिया के सबसे बड़े रईस, मुकेश अंबानी को छोड़ा पीछे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा औद्योगिक गलियारों जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि देने में राज्य नहीं दिखा रहे उत्साह। यात्रा करने से पहले चेक कर ले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट, रेलवे ने किया 168 ट्रेनों को रद्द, कई ट्रेनें डायवर्ट। सुकन्या समृद्धि खाता रखने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया खास ऐलान, बेटियों को मिलेंगे 15 लाख रुपए। सेबी ने उठाया बड़ा कदम, म्यूचुअल फंड अकाउंट्स की पूलिंग रोकने की तारीख बढ़ाई। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खबर, कंपनी ने 14 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स पर लगाया ताला। महंगाई का झटका, बदली NCR में PNG के बढ़े दाम, 5.85 रुपए का हुआ इजाफा। रूस से कच्चे तेल की खरीद पर निर्मला सीतारमण का स्पष्ट जवाब, क्यों नहीं देश हित सबसे पहले। मार्च में भर गया सरकार का खजाना, GST कलेक्शन ने तोड़ा सारे रिकॉर्ड। शुभमन गिल ने खेली IPL में सबसे बड़ी पारी, गुजरात टाइटंस के ओपनर ने मचाया धमाल। जॉय ने शतक जड़कर रचा इतिहास, फिर भी मजबूत स्थिति में दक्षिण अफ्रीका।
द लैंड्स का हुआ बुरा हाल। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में पटकनी देकर पाकिस्तान ने जीती सीरीज, बाबर आजम ने जोड़ा कप्तानी शतक। जोस बटलर ने जोड़ा मुंबई के खिलाफ आतिशी शतक, बासिल थम के एक ओवर ने बनाए 26 रन। वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर पर विकेटकीपर का धमाका, तोड़ डाले सारे पुरुष और महिला दिग्गजों के रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के सामने 357 रनों का लक्ष्य रखा, हेली ने खेली ऐतिहासिक पारी। वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली ने खेली शानदार शतकीय पारी। ऋषभ पंत ने गुजरात के खिलाफ मिली हार के लिए बल्लेबाजों को ठहराया जिम्मेदार। गुजरात ने दिल्ली को 14 रन से हराया, दर्ज की लगातार दूसरी जीत। पठान की शूटिंग और दुबई ट्रिप से वापस लौटी दीपिका पादुकोण, मुंबई एयरपोर्ट पर दिखा दिलकश अंदाज। दादा मंसूर अली पटौदी के नक्शे कदम पर चलते दिखे तैमूर अली खान, सबा अली खान ने शेयर की अनमोल तस्वीर। कौन बनेगा करोड़पति 14 की अमिताभ बच्चन ने की घोषणा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्द होगा शुरू। गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने किया कमेंट। विक्रांत मैसी को तोहफे में मिली कुछ गुलजार साहब की जूतियां, एक्टर ने खुद को बताया लकी। मलाइका अरोड़ा कार एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती, हादसे में 3 वाहन टकराए। आर्यन खान ड्रग्स मामले में बड़ा मोड़, गवाह प्रभाकर सेल की हार्ट अटैक से मौत, जांच के आदेश दिए गए। अभिषेक बच्चन ने आराधना की स्मार्टनेस का श्रेय दिया पत्नी को, बताया घर पर ऐश्वर्या राय कैसे रखती है बेटी का ध्यान। रैपर बादशाह ने शिल्पा शेट्टी के चैट शो पर किया खुलासा, डिप्रेशन का हो चुके हैं शिकार। आलिया रणबीर इसी महीने लेंगे 7 फेरे, वेडिंग वेन्यू से पापा ऋषि कपूर का है खास कनेक्शन। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।